So welcome everyone once again. I hope everyone is happy. Okay. Let us proceed to our question number 3. Question number 3 में हमने पहले 6 questions solve किए, ठीक है? अभी 7th, 8th और 9th ये all, for all, there exist मतलब है quantifiers है. कौन से quantifiers है ये? ये फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर और देयर एग्जिस्ट का मतलब है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो इसके निगेशन जो है वो हमें कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए हैं. देखो ये एग्जांपल नंबर 2 दिया है. देखो तो आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार सॉल्व एग्जांपल क्यों दिखाते हैं. जैसे मैंने शुरू में भी बोला था लेक्चर के कि सॉल्व एग्जांपल जो है वो डायरेक्टली बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और सीईटी में भी पूछे गए, तो इसलिए मैं जस्ट गो थ्रू करता हूँ और इससे टाइम भी बच जाता है एक्सप्लेनेशन का. अभी देखो पहला क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, ऐसा दिया गया. ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, इसका निगेशन क्या लिखा देखो, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल. मतलब क्या किया है उन्होंने पता है, ऑल इस वर्ड के जगह सम वर्ड डाल दिया. ओके और नेचुरल नंबर्स आर रैशनल इसको निगेशन कर दिया, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट भी लगाया. ये दो चीजें किए. कौन सी दो चीजें? ऑल के जगह सम और जो गिवन स्टेटमेंट था उसमें नॉट लगा दिया. अगर पहले से नॉट है तो उसका नॉट हम हटा देंगे. ऐसे समझे अभी ऑल का निगेशन कैसे करते हैं. ओके सो ऑल इस वर्ड की जगह सम और नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल. नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड, तो इसका निगेशन क्या आएगा, सम के जगह आप ऑल यूज कर सकते हैं. तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड. समझा, आर के जगह अभी यहाँ पे नॉट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और सम की जगह ऑल लगाना पड़ेगा, तो ऐसे करना है. अभी देखो इसी का इसका जो मैंने अभी आंसर बताया, क्या आंसर बताया अभी, सम की जगह ऑल लिखो. ओके ऑल, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड, आर नॉट 16 ईयर ओल्ड. अभी इसका ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा, एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप जाएंगे नीचे तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड, ए है हमारा आंसर. नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 ईयर ओल्ड, ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, ये हमने जो आंसर लिखा और ए जो लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम ही है. ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड, इसका ही मतलब है कि नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड. तो इन्होंने यहाँ नॉट नहीं लगाया एक्स्ट्रा, ये नो पहले ही ले लिया. समझ में आया अभी? तो बस आप सिंपल याद रखो क्या बताया मैंने. तो ए वाला जो पार्ट है इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वी कैन इवन गिव दिस एज हेडिंग. इसका हेडिंग हम लिख सकते हैं निगेशन of quantified statements, negation of quantified statements. तो negation लेते वक्त क्या करना है, all का हमें sum करना है या तो sum के जगह all लिखना है, और क्या करना है, negation एक्स्ट्रा लेना है, नॉट लगाना है एक्स्ट्रा. ठीक है, बस अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं. तो ये हुए वर्ड वाले एग्जांपल. अभी अगर समझो ऐसे सिंबॉलिक एग्जांपल्स है तो देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट एन प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11. तो फिर हम क्या करते हैं, ऑल के जगह सम डाला, तो अभी देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल डालेंगे. तो इसका थर्ड का आंसर देखो नीचे, फॉर ऑल देखो इसको कंपेयर करने के लिए ऐसे साथ साथ देखेंगे, देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल डाला, दिख रहा है ना, फॉर ऑल एन
बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट लिखो या तो कॉमा लिखो, एन प्लस एट ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल टू किया, मतलब क्या है ये सिंपल सिंपल है, देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल और गिवन स्टेटमेंट का निगेशन, जो भी स्टेटमेंट है कंडीशन जो है ना कंडीशन दिया हुआ रहता है उसका निगेशन लेना है। और इस केस में फोर्थ केस में देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एन कॉमा टू एक्स प्लस वन इज ऑड, ओके कॉमा लिखो या सच दैट लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट टू एक्स प्लस वन इज ऑड है और यहाँ क्या है टू एक्स प्लस वन इज नॉट ऑड, करेक्ट। तो फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट बनाओ और स्टेटमेंट में नॉट लगाओ, ओके बस। तो ए है हमारा निगेशन बनाना, ओके तो समझो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझो एक स्टेटमेंट में ऑल है और वहां पे कुछ तो कंडीशन दिया हुआ है, तो फिर इसका निगेशन लेते वक्त क्या करेंगे, ऑल के जगह हम सम डालेंगे और कंडीशन का निगेशन लेंगे, समझ में आया। और समझो सम दिया है और कंडीशन दिया है स्टेटमेंट कुछ, तो सम के जगह हमें ऑल लिखना है और कंडीशन का निगेशन लेना है, ओके और इसके अलावा देयर एग्जिस्ट है और कंडीशन है, तो देयर एग्जिस्ट का क्या होगा निगेशन करते वक्त फॉर ऑल और कंडीशन का फिर से निगेशन। और चौथा फॉर ऑल है और कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन मतलब जो स्टेटमेंट आगे वाला, तो हम उसको देयर एग्जिस्ट करेंगे और कंडीशन का निगेशन लेंगे, ऐसे हम करते हैं निगेशन। अभी क्लियर है सबको, तो निगेशन ये चारों याद रखो, ये दोनों थियोरेटिकल स्टेटमेंट और ये दोनों अगर सिंबॉलिकली दिया है तो, ये है निगेशन, ये है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और ये है इनके निगेशंस, निगेशंस ठीक है। चलो तो अभी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री का सेवंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या है दिया हुआ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ओके तो पी गिवन स्टेटमेंट को हम बोलेंगे पी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ओके अभी इसका निगेशन पी आएगा, ऑल के जगह सम, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, बराबर ठीक है। तो क्या किया, ऑल के जगह सम लिखा और यहाँ एक्स्ट्रा नॉट लगा दिया, यही तो बोला हमने। नेक्स्ट एट्थ वन, आठवा देखो, फॉर ऑल एन बिलोंग, इसको स्टेटमेंट पी बोलेंगे, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, बिलोंग्स टू कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, सारे एन जो कि नेचुरल नंबर है, कॉमा कॉमा लिखो या सच दैट लिखो, कॉमा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय फोर, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय फोर, ये गिवन स्टेटमेंट पी है। इसका निगेशन क्या आएगा बेटा, फॉर ऑल के जगह देयर एग्जिस्ट एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट, सच दैट क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाय फोर का निगेशन क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, ओके। तो हमने क्या किया, फॉर ऑल के जगह देयर एग्जिस्ट लिखा और इस स्टेटमेंट को निगेशन लिया, एक्स्ट्रा नॉट भी ले लिया,
दोनों करना है, याद रखो। नेक्स्ट लास्ट वन, देयर एग्जिस्ट, इसको स्टेटमेंट पी लेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट एक्स माइनस सेवन इज लेस देन, एक्स माइनस सेवनटीन इज लेस देन 20। ये है इसका निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट के जगह फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एन कॉमा एक्स माइनस सेवनटीन लेस देन का होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20। दैट्स ऑल, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? कोई डाउट इसमें? तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, राइट कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो ए मैं आपको पूरा होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन फोर, इसके सॉल्व एग्जाम्पल एक बार गो थ्रू कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। हमने पहले स्टेटमेंट को पी लिया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये दूसरा स्टेटमेंट लिया, और दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो है पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू। कॉन्वर्स क्या आता है, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी, सो इट्स कॉन्वर्स इज क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी। तो कॉन्वर्स लिखते हो अब हम क्या लिखेंगे, क्यू पहले लिखेंगे, तो अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, उल्टा लिखना है। ओके, इट्स इनवर्स क्या आएगा, नॉट पी सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट क्यू, तो इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, निगेशन लेना है, नॉट पी मतलब अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। और अगला है कॉन्ट्रापोजिटिव, वो आता है निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, तो निगेशन क्यू मतलब इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, बस ऐसे। ये चार आपको अगर याद है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव का मीनिंग, बस वहां पे आपको इस क्यू क्यू इम्प्लाइज पी लिखना है, यहाँ निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, या निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन आपको आपको होमवर्क दे देता हूँ, कोई डाउट है तो ये पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमें दिए हैं, एक्चुअली ये सारे जो है इसका एक्टिविटी भी हमें दिया है, प्रूव दिस रिजल्ट बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो इन सबको हम ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत आसान है, कैसे हम प्रूव करेंगे, तो बस इन्होंने यहाँ पे पहले दो जो है वो प्रूव करके दिखाए ट्रूथ टेबल का यूज करके, तीसरा और चौथा हमें प्रूव करने को बोला गया एक्टिविटी में। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि ये स्पेशली सीईटी में बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू इज निगेशन पी और क्यू। अभी इसको लॉजिकली याद रखना है, कैसे याद रखेंगे वो भी मैं बताता हूँ। ओके, बहुत बहुत आसान है इसको, लेकिन उसके पहले हम क्या देख रहे हैं कि देखो पहला और दूसरा इन्होंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। कॉलम नंबर फोर देखो, पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू है टी एफ टी टी, और कॉलम नंबर सेवन देखो नॉट पी और क्यू है, ये भी टी एफ टी टी मिला। इसका मतलब इन दोनों के ट्रूथ टेबल कॉलम नंबर फोर और कॉलम नंबर सेवन, यहाँ से हम बोल सकते हैं पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू इज नॉट पी और क्यू। ओके, ये आया कैसे, लेकिन ऐसे इसका ट्रूथ टेबल इक्वल आया क्यों? तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो आपको पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू का निगेशन पता है क्या, वो क्या आता है पी एंड नॉट क्यू, याद है? अभी अगर मैं फिर से इसका निगेशन ले लूं दोनों साइड, एक निगेशन ऑन बोथ साइड, तो इसका निगेशन ऑफ निगेशन लेंगे तो p सिंगल इम्प्लीकेशन q बचेगा, और इसका निगेशन लेंगे तो निगेशन इन ब्रैकेट p एंड निगेशन q, और इसका निगेशन लेंगे तो एंड है बीच में, तो क्या आएगा निगेशन p और निगेशन ऑफ निगेशन q, वो खाली q बचेगा, ठीक है? इसीलिए ये p सिंगल इम्प्लीकेशन q जो है वो नॉट p और q आया,
ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट निगेशन ऑफ निगेशन इज स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो जो पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू का निगेशन है उसका फिर से एक बार निगेशन लेके देखो तो आपको यही मिलेगा, नॉट पी और क्यू। तो ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं, और ट्रूथ टेबल से तो यहाँ पे दिखाई दिया है। सेकंड, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, इसका मतलब है कि पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी, ये आपको याद रखना है। कैसे कि डबल इम्प्लीकेशन अगर लेते हैं हम तो दो सिंगल इम्प्लीकेशन का वो एंड रहता है, पहला P implies Q और दूसरा Q implies P, इन दोनों का एंड रहता है, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ Q P एंड Q P, इफ एंड ओनली इफ Q ऐसा अगर है तो हम बोलेंगे इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, ऐसे। तो ये डेफिनेशन ही है, और इसका ट्रूथ टेबल भी देखो आप, कॉलम नंबर 8 P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इम्प्लीकेशन P, TF-FT आ रहा है, और डबल इम्प्लीकेशन वाला कॉलम नंबर 6 देखो वो भी TF-FT आता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ओके। वैसे ही अभी नंबर 3 और नंबर 4 देखो, ऑफकोर्स इसका ट्रूथ टेबल आप खुद चेक कर लेना, थर्ड और फोर्थ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सच में लॉजिकली इक्विवेलेंट आते हैं क्या, वो आएंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट, वो एक्टिविटी भी है हमारा। तो अभी क्या करो, इसमें और जो है ब्रैकेट में एंड है, तो ये और जो है ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कौन से टाइप का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऐसा है, आपको याद है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पी इंटू ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे। तो यहाँ पी और क्यू एंड पी और आर ऐसे आएगा, तो और ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पी और क्यू बीच में एंड पी और आर ऐसे। यहाँ पे ब्रैकेट में और है और ब्रैकेट के बाहर एंड है, तो पी एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्रैकेट के अंदर, पी एंड क्यू बीच में आर, ए आर, पी एंड आर, पी एंड आर। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीसरा और चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया सबको ये रिजल्ट, ओके। तो थर्ड और फोर्थ का आप ट्रूथ टेबल खुद ड्रॉ करके देखो कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, ऑल राइट। अभी अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें सारे बहुत सारे लॉज हैं। थैंक यू वेरी मच।